दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पाठशाला में। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ IRCTC एप्स के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम IRCTC एप्स को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन कर लेंगे, पिन डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, आप लोग चाहे तो जो है OTP के माध्यम से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ हम जाएंगे प्लान माई जर्नी। जैसे हमें जाना है पटना टू मुंबई, तो हम लोग जो है यहाँ पे सर्च करेंगे PATN पटना, PNB पटना जंक्शन। कहाँ जाना है? मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल। मुंबई में कहाँ जाना है हमको? लोकमान्य तिलक टर्मिनल। लोकमान्य तिलक टर्मिनल आ गया पटना से लोकमान्य तिलक टर्मिनल। अब किस डेट में जाना है तो यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमको जो है 31 जुलाई को जाना है, 31 जुलाई सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अगर आप रेलवे स्टाफ है तो आप रेलवे पास कंसर्न ऑप्शन पर क्लिक करके आगे सर्च ट्रेन करेंगे। अगर आप रेलवे स्टाफ नहीं है तो रेलवे पास कंसर्न पर क्लिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट सर्च ट्रेन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपके सामने जो है ट्रेनों का लिस्ट खुल चुका है। यहाँ पे 3 ट्रेन शो कर रहा है। जैसे हमको जाना है P02742 ट्रेन में, तो यहाँ पे स्लीपर पे या 2S है सेकंड स्लीपर, यानी चेयर का बैठने वाला, बैठ के जाने वाला, स्लीपर लेट के जाने वाला। तो स्लीपर पर क्लिक करेंगे, पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे, कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आपके पास नया इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ सीधा ऐड न्यू का ऑप्शन है। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपना नाम डालेंगे, एज डालेंगे, जेंडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप अपना रैंडम बर्थ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। चलिए डाल देते हैं साइड लोअर। ऐड पैसेंजर करेंगे, पैसेंजर ऐड हो चुका है। अब यहाँ नीचे में पैसेंजर का एड्रेस ऐड करेंगे, पिन डालेंगे। पिन डालते ही पूरा डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ रिव्यू जर्नी डिटेल करेंगे, जैसे ही हम लोग रिव्यू जर्नी डिटेल करेंगे कैप्चा लोडिंग हो जाएगा। अब यहाँ आपके सामने कैप्चा दिख रहा होगा, या अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और कैप्चा को डाल देंगे 3BT कैपिटल पी प्रोसीड टू पे यस। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा 90% काम हो चुका है। अब यहाँ हम जैसे पेमेंट करेंगे हमारा टिकट बुक हो जाएगा। पेमेंट का आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो वॉलेट से भी कर सकते हैं। वॉलेट पर क्लिक करके पेटीएम वॉलेट, जियो मनी, IRCTC, मोबीक्विक, एयरटेल, या फिर आप जो है मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके भी जो है फ़ोनपे, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग इसके बाद जैसे ही पे करेंगे आपका जो है टिकट बुक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी।
अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।